हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट कॉर्न। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग एक शरबत की रेसिपी, जो है जला हुआ आम का रेसिपी। सुनने में अजब लग रहा है ना, पर एक कोलकाता का बहुत ही एक फेमस शरबत की रेसिपी है। इस गर्मी के टाइम में अगर आप ये ठंडा ठंडा जूस पीते हो तो आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करोगे। तो कैसे बना लिया ये जानने के लिए पूरी रेसिपी को आपको देखना होगा। और अगर आप मेरे चैनल का नया दोस्त हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ दो कच्चा आम यानी रॉ मैंगो ले लिया और उसको बर्नर के ऊपर एक जाली जैसा रख के उसके ऊपर रख दिया और इसको जला रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसको ऐसे पलट दूँगी ताकि इसका हर तरफ ऐसे जल जाए, मतलब इसको अच्छी तरह से मैं जला लूँगी। देखिए इसको भी मैं पलट दूँगी। कुछ देर बाद देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से जल गया। और ध्यान पे रहे कि मीडियम टू लो फ्लेम में इसको ऐसे जलाना है। देखिए चारों तरफ से जल गया। अब इसको मैं निकालूँगी यहाँ से और गैस को बंद कर दूँगी। अब मैं एक बोल पे इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं उसी बर्नर पे उसी जाली के ऊपर दो हरा मिर्च डाल के उसको भी जला लूँगी। अब ये आम थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि आसानी से मैं इसका छिलका जो है ये निकल सकूँ और ये ठंडा भी हो जाए, मतलब गर्म महसूस ना करूँ इसीलिए। अब मैं इसका जो छिलका है ऊपर का जो जला हुआ हिस्सा है उसको निकालूंगी, दोनों आम का ऐसे ही छिलका निकालूंगी। अब क्या होगा, एक ग्रेटर के मदद से मैं इसका जो पाल्प है ये निकालूंगी। आप चाहे तो ऐसे ही उंगली से ही प्रेस करके इसका पाल्प निकाल सकते हो। देखिए पूरा पाल्प में निकाल लिया। अब एक मिक्सर ग्राइंडर पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को ऐसे ही हाथों से मतलब फाड़ के मैं डाल दूंगी और जो दो जला हुआ जो ग्रीन चिली है उसको भी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। फिर इसको मैं पीस लूँगी। देखिए धनिया पत्ता और ग्रीन चिली का पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इस पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सिंधा नमक, ये अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। और डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक पिसा हुआ है, ये डालने से ना इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा आ जाते हैं। थोड़ा सा ही डाल दिया, मतलब आधे चम्मच डाल दिया। और फिर इस पे मैं डाल दूंगी जो मैंगो पाल्प है वो पूरा ही डाल दूंगी। और फिर उस पे जो लगा हुआ है उस पे थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा ही पानी मैं डाल दूंगी। अब इस पे मैं डाल दूंगी चार बड़े चम्मच चीनी। आप नमक और चीनी आपके स्वाद के अनुसार डालिए। मैं जीरा को बिना ऑयल के ही फ्राई कर लिए थे और इसको जो डस्ट बनाया वो इस पे एक चम्मच डाल दिया और फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। देखिए शरबत का मेन इंग्रेडिएंट्स तो तैयार हो गया। देखने में जितना अच्छा लग रहा है इसका खुशबू भी इतना ही अच्छा लग रहा आ रहा है, बहुत ही चटपटा है। और ये आप फ्रिज पे स्टोर कर सकते हो 15 दिन तक। तो नेक्स्ट स्टेप पे चले। मैं यहाँ दो सर्विंग ग्लास ले लिया और उस पर मैं अपने हिसाब से बर्फ़ का टुकड़ा डाल रही हूँ, आप भी अपने हिसाब से डालिए। और फिर इस पर मैं थोड़ा सा जो आम का जो पाल्प रेडी किया थे वो डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी ठंडा ठंडा पानी और फिर चम्मच से मिक्स कर लूंगी। ऊपर से थोड़ा सा जो जीरा का मैं डस्ट बनाया था वो डाल दूंगी और फिर पुदीना पत्ता डाल के डेकोरेट करके मैं सर्व करूंगी ठंडा ठंडा आम पूरा शरबत। कैसा लगा आज का रेसिपी, घर पे एक बार ज़रूर बनाइए। और पीने में बहुत ही मस्त है, बहुत ही चटपटा है। अगर आपको ये अच्छा लगे ना कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट दिन मुलाकात होंगे और नए एक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।